हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटू सा अपना पर्पल हॉल, जिसमें ये मेरे तीन ही प्रोडक्ट है। यस, इस बार मैंने एक्चुअली दो ही मंगाए थे, एक मुझे इसके साथ ये फ्री मिला है, तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये एक छोटू सा हॉल या फिर एक रिव्यू वीडियो समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो वही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक लिक्विड फाउंडेशन, जो कि है NYV का मेरा लिक्विड फाउंडेशन। एंड आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के पैकेजिंग में मुझे मिला है, काफ़ी छोटू सी प्यारी सी बोतल के साथ मुझे ये मिला है। एंड 30 ml इसकी क्वांटिटी है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी चलेगा। तो इस तरीके से ये है, एंड इसकी MRP 149 है। एंड ये मुझे मिला है 112 में, प्रिंट रेट 149 है। एंड एक्सपायरी भी 2 साल की है, 2 साल की एक्सपायरी है। एंड यस, ये है इस तरीके से फाउंडेशन। एंड इसका मैं आप लोगों को इसका मैं कलर वगैरह भी दिखा दूँ, लाइक जो होता है ना शेड कैसा है, खुल जा, यह है इसका शेड, जो कि मुझे अपने हिसाब से थोड़ा लाइट लग रहा है। शोना क्या कर रही हो, खुशबू अच्छी है, बट मेरा थोड़ा सा लाइट है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको एक्सचेंज कर दूँ। देखती हूँ अगर हो पाएगा तो मैं इसको एक्सचेंज करके अब एक शेड डार्क मंगा लूँगी। लग रहा है ना आप लोगों को भी, मुझे बताना कमेंट करके, लग रहा है कि नहीं है, मुझे ही लग रहा है, मैं इतना जानती नहीं हूँ ना, इसलिए हो सकता है। सो या, एंड इसका शेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, कैरीज बॉर्न हनी फेयर अफेयर, ये क्या है पता नहीं, नंबर 2 का शेड है ये। एंड इसमें कुछ इसके बारे में लिखा है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप, ब्लेंड लाइक अ ड्रीम, लाइट वेट फॉर्मूला, स्मूथन स्किन, नरिश स्किन, नॉन ग्रीसी, तो ये सब इसकी क्वालिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड मेरी माने तो NYV के सारे प्रोडक्ट बुरे नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने एक लास्ट आपके साथ पर्पल हॉल शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हैं। सारा ही चीज़ें नहीं बुरी होती हैं, लेकिन 2 चीज़ें मुझे महाघटिया लगी, एक तो मेकअप फिक्सर एंड दूसरा कॉम्पैक्ट, जो कि मैंने दोनों ही एक्सचेंज कर दिए थे, मेरा उसका मतलब वापस कर दिए थे, मेरा उसका पैसा भी नहीं आया है, लेकिन मैंने वापस कर दिए थे, ना पैसा आया ना आए, मैं ऐसे मतलब बुरी चीज़ तो अपनी स्किन पर फॉर श्योर नहीं लगाने वाली हूँ, नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ना पैसा आए चाहे ना आए, है ना। ये है, एंड इसको मैं देखूंगी यूज़ करके, अगर मुझे लगा कि काफ़ी लाइट है तो मैं इसका शेड चेंज कर दूंगी। सो या, इसके साथ ही मुझे ये फ्री मिला है बीबी क्रीम, NYV की बीबी क्रीम, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है ये, एंड काफ़ी क्वांटिटी है इसकी, 18 ग्राम क्वांटिटी है, इसकी MRP है 125, लेकिन ये मुझे फ्री में मिली है, इसका मुझे कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ा है। एंड अगेन इसकी भी एक्सपायरी 2 साल की है, एंड आप लोग यहाँ पे इसका शेड देख सकते हैं, नहीं दिख रहा आप, देखा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ओलेक्स बेज कुकी बन शेड है, बन नंबर का, एंड SPF 20 के साथ है, एंड जिसमें भी सारा कुछ इसकी क्वालिटी लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इन्फ्यूज विद स्किन मॉइस्चराइज एजेंट, कुकुम्बर एंड एलोवेरा एक्टिव, इवन स्किन टोन, वाटर रेजिस्टेंट, ब्लेंड लाइक अ ड्रीम, लाइट वेट फार्मूला, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी। राइट नाउ मैंने इसी को लगाया था, एंड कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ उसी को लगाया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड चलिए मैं इसको मैं खोल के ही दिखा दूँ आप लोगों को, थोड़ी सी ले ली है, हाँ लगाऊँ मैं, यहाँ तो पूरा लग चुका है सारा कुछ, तो ये इसका शेड ऐसा है, एंड ये मेरे स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से जाता है। सो यस, काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है सिर्फ हाथों से ही, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी इसको सिर्फ अपने हाथों से ही लगाया था। एंड ये ना आप देख सकते हैं अभी, मतलब लगाने के बाद थोड़ा सा अजीब सी शाइन दे देती है चेहरे पे, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं सबको ऐसा लगता होगा कि भाई या सबके साथ ऐसा होता तो नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है,
एक अच्छा सा शाइन इसने उभार के दे दिया था मेरे चेहरे पे, आपको देख सकते हैं नाक पे, यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा सा शाइन आ गया था। इस वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो गई है, स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। सो ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट मैंने एक ये मंगाई है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा क्या कर रही हो, मैंने गलती से इसको ऑर्डर कर दी। मतलब मैं देख रही थी लिप क्रेयॉन एंड मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये लिपस्टिक है कि लिप क्रेयॉन है। मुझे सिर्फ कलर अच्छा लगा है, मैंने फटाक से इसको एक्टिवेट कर दिया एंड देन ऑर्डर कर दिया। तो मैंने जल्दबाजी में इसको कर दिया, लेकिन होता है ना कि जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं, तो मुझे भी वही लग रहा है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि लिप क्रेयॉन माँ ही करती है। मैंने परसों के ब्लॉग में शायद लगाया हुआ था एंड तभी मैंने उसकी असलियत देखी है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब इतने सारे रिव्यू देखे थे उसके, इतनी सारी तारीफें सुनी थी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा लिप क्रेयॉन बहुत ही महा घटिया निकला। मतलब यार मैंने ब्लॉग में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। वो बहुत ही घटिया निकला यार, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने मेरे पास शार्पनर है बड़ा वाला, ये नहीं, अब कुछ लोग ये ना समझे कि मैंने छोटे वाले शार्पनर को उन्हें घुसा घुसा के उसको शार्प कर दिया। नहीं, मेरे पास जो लिप क्रेयॉन के या जो मोटी से पेंसिल के शार्पनर मेरे पास है, वो मैंने उसी से उसको शार्प किया था। एंड सच में यार, मतलब टूटते ही जा रहा, हद हो गई। मतलब उसकी जो पेंसिल के अंदर, मतलब जो भरा रहता है ना, जो लिपस्टिक हो, जो कुछ भी हो, वो टूटते ही जा रहा है यार, हद हो गई। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा मैं इसको फेंक ही दूँगी, मैं लगाऊंगी नहीं इसको। तो ब्लॉग में मैंने फिर उसका सारा कुछ दिखाया भी है, तो बहुत ही बेकार निकला वो। तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो चलिए उसको तो छोड़ो, मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है उसको सोच के। तो मैंने ये मंगाई है, जिसका शेड है 6 एंड इसका नाम है चिक कैमेला 6। यस यही है। एंड क्वालिटी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है, 0.2 ग्राम इसमें क्वान्टिटी आपको मिल रही है। एंड मतलब इसकी ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है ना, ब्लैक है एंड ब्लैक तो माई फेवरेट कलर। क्वान्टिटी आपको इतनी मिल जाएगी इसमें। एंड ये मैंने लिपस्टिक यही वाली लगाई हुई भी है, एंड इसको मैंने लगाई हुई तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगी यहाँ पर लोगों को। मस्त है ना, मुझे इस टाइप की लिपस्टिक काफ़ी पसंद आती है, पिंक शेड में मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, और ये मुझे सिर्फ ऐसे ही मिली है, कुछ भी ऊपर से नहीं था, तो इसकी काफ़ी सारी डिटेलिंग तो मैं नहीं दे पाऊँगी, तो ये मुझे ऐसे ही मिली थी। ये मुझे अच्छी लगी, ऑनेस्टली मुझे अच्छी लगी, इसकी एक्सपायरी वगैरह कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो। एंड ये भी मुझे 112 की मिली है, तो मेरा दो चलो मिलती हूँ मैं आपको, एंड ब्लॉग्स आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलती हूँ आपको, बाय बाय।